हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मथुरा के पेड़े। मथुरा के पेड़े भगवान कृष्ण जी को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग का प्रमुख हिस्सा है। यह पेड़े जन्माष्टमी में खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। तो आइए आज मथुरा के पेड़े बनाते हैं, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देखें। खोया या मावा 1 कप, पीसी चीनी 1/2 कप, घी 2 टेबलस्पून, छोटी इलायची 4 या 5 छिलकर कूट लीजिए, नारियल का बुरादा या पीसी चीनी 2 टेबलस्पून कोटिंग के लिए। अब सबसे पहले मावा को क्रम्बल कर लीजिए। ये मावा मैंने घर पर बनाया है। आप मावा या खोया की रेसिपी मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो रेडीमेड मावा भी यूज कर सकते हैं। अब पैन गरम करके उसमें क्रम्बल किया हुआ मावा डाल दीजिए। मावा को लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। मावा के हल्के ब्राउन होने पर इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए और ऐसे ही बीच बीच में मावा में घी डालते हुए मावा को डार्क ब्राउन होने तक भून लीजिए। ये देखिए मावा कितना अच्छा भूनकर तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर दीजिए और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए। मावा के हल्के गर्म रह जाने पर इसमें इलायची पाउडर और पिसी चीनी डाल दीजिए और मिश्रण को अच्छे से मिला दीजिए। पेड़े बनाने के लिए मिश्रण तैयार है, लेकिन ये मिश्रण पेड़े के लिए थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए अब इसमें हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे ताकि हमारे पेड़े अच्छे से बन सकें। यहाँ हमने कढ़ाई में मिश्रण डालकर उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लिया है और धीमी गैस में इसे लगातार चलाते रहिए जब तक कि मिश्रण पैन के किनारों को ना छोड़ दे। ये देखिए मिश्रण ने पैन के किनारों को छोड़ दिया है। अब गैस बंद कर दीजिए और इसे किसी बाउल में निकाल लीजिए। मावा को बिल्कुल ठंडा ना होने दें, हल्के गर्म रहते ही पेड़े बना लीजिए, वरना मावा खिला खिला हो जाएगा और पेड़े नहीं बन पाएंगे। अब मिश्रण से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर गोल करके हाथ से दबाकर पेड़े का आकार दीजिए। एक एक करके सारे पेड़े इसी तरह तैयार कर लीजिए। अब पेड़े को बोरे में लपेटकर प्लेट में रखते जाइए और एक एक करके सारे पेड़े इसी तरह तैयार कर लीजिए। स्वाद में लाजवाब मथुरा के पेड़े तैयार हैं। इन पेड़ों को फ्रिज में रखकर 1 महीने तक खाया जा सकता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और भी इंस्टेंट और इजी टू कुक होममेड फूड रेसिपी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।